हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम एक स्प्लिट एसी की सर्विस यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा आउटडोर, इसको खोलेंगे और यहाँ पे जो हम सर्विस करेंगे वो करेंगे जेट पंप से। तो यहाँ पे इनको का हमारे पास जेट पंप है सर्विस के लिए और वहाँ पर हम पानी भर रहे हैं बाल्टी में, तब तक इसको यहाँ पर हम खोल लेते हैं। और अगर आपको भी जेट पंप चाहिए एसी के सर्विस के लिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, पिछले साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस काफ़ी मस्त है इसका। तो पावर हमने वायर देख सकते हैं काफ़ी लंबा था तो बीच में हमको अलग से वायर लगानी पड़ी, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है और ये खुल रहा है। तो बाकी मैं इसको खोलने के बाद आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। वीडियो में बने रहें, चैनल में फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये खोल दिया है और यहाँ पे जेट पंप भी हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे लगी हुई है नेट और इसको हम करेंगे यहाँ पे क्लीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको कर लिया सर्विस और हल्का हल्का इसको हम और मार लेता हूँ मैं यहाँ पे ताकि मैं दिखा सकूँ, मैंने पूरा इसमें दिखा नहीं पाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको करना होता है, इसमें प्रेशर के हिसाब से प्रेशर ऐसा रखें कि जिससे हमारी जो फिन होती हैं वो भी यहाँ पे डैमेज ना हो, आगे और पीछे से एकदम आप प्रेशर मार सकते हैं आगे पीछे दोनों साइड से यहाँ पर देख सकते हैं। और जो ये मोटर है, मोटर पर आप यहाँ पर पन्नी उन्नी भी लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर पानी चले गया तो यहाँ पे मोटर ख़राब हो सकती है, लेकिन मैं मोटर पे नहीं मार रहा हूँ। तो यहाँ पे मोटर को देख करके आपने यहाँ पे मारना होता है। तो अच्छे तरीके से जो भी इसके पार्ट्स खोल रखे हैं अपर वाले उनको भी हम क्लीन यहाँ पे कर लेंगे। तो मैं सारा यहाँ पर क्लीन कर लेता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और उसके बाद चलेंगे हम इनडोर में, आउटडोर हमारा लगभग लगभग हो चुका है, आगे और पीछे दोनों साइड से यहाँ पे हमने इसको क्लीन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम आ चुके हैं इंडोर पे और यहाँ पे क्या करना है, हमने इसमें स्क्रू लगे होते हैं कुछ, उसको हमने ओपन करना होता है। और ओपन करने के बाद इसका जो कवर होता है फ्लैप, इसको निकालने के बाद इसका जो कवर होता है लॉक फंसे हुए होते हैं यहाँ पे, ऊपर से भी लॉक होते हैं इसके टॉप में और बॉटम में भी होते हैं। तो इन लॉकों को हम खोलने की कोशिश करेंगे और जो भी स्क्रूज है उन सबको यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे और उसको आराम से क्या करेंगे बाहर की तरफ खींचेंगे। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉक होते हैं तो थोड़ा टाइट खुलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईजिली ये निकल जाता है, खींचते रहना कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे हाथ डाल डाल करके इसको निकालेंगे तो यहाँ पे ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा हो गया रिमूव। अब इसमें हम लगाएंगे वॉशिंग कवर, जो भी हमारा सर्विस कवर होता है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर आपको ये भी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, जो जो सर्विस में हमारा यूज होता है आप डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं लिंक को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा लग चुका है लेकिन ये उल्टा लगा हुआ है, इसको मैं सुल्टा लगाऊंगा क्योंकि जो इसमें एक पाइप सा होता है वो हमारा नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से ये लग जाता है। अब हम इसमें ईजिली क्या कर सकते हैं, अंदर साइड सर्विस कर सकते हैं जिससे हमारा पानी नीचे, बाल्टी लगा दिया है मैंने इसमें, और एक पन्नी भी ले ले जहाँ पीसीबी एरिया होता है वहाँ, उस एरिया को हम क्या कर लेंगे कवर कर लेंगे ताकि सर्विस हमारी ईजिली आसानी से हो जाए बिना भीगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको सेटअप बैठाना है, उसके बाद जो भी हमारा प्रेशर है यहाँ पे उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे सर्विस को कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरी वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वीडियो बना करके पूरा पॉसिबल नहीं है सर्विस करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से आपने खोला है इसी तरीके से हमने इसको फिट भी कर लेना है। बाकी ये इस तरीके से सर्विस किट होती है जिससे हमारा पानी नीचे नहीं जाता है, दीवारों में नहीं जाता है और आसानी से यहाँ पे सर्विस हो जाती है। और ड्रेन के लिए भी पाइप नीचे को लगा होता है, एक बाल्टी वहाँ पे हमने लगाई हुई है।
तो दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ पर सर्विस करनी होती है। और वीडियो से तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।